हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू डिसेबल और टर्न ऑफ लैपटॉप इन बिल्ट कीबोर्ड इन विंडोज 7। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और वहां पर आपको लैपटॉप का जो इन बिल्ट कीबोर्ड होता है उसको अगर आपको बंद करना है, डिसेबल करना है, टर्न ऑफ करना है, वो कैसे करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर कंप्यूटर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और मैनेज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस मैनेजर के अंदर, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको एक्सपेंड कर लेना है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड PS/2 कीबोर्ड आपका यहाँ पर ड्राइवर, जो कीबोर्ड का ड्राइवर है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर HDIM ऐसा कुछ भी ऑप्शन मिले, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो हमारे इधर यहाँ पर ओनली वन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके लैपटॉप के अंदर आपको स्टैंडर्ड PS/2 कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर आपको जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है यहां पर इसको सिलेक्ट करना है और लेट मी पिक जो ये ऑप्शन है यहां पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस यहां पर आप जैसे कि देख पा रहे हो कि यहां पर आपका इन बिल्ट जो ड्राइवर है यहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डिसेबल करना है। तो डिसेबल करने के लिए आपको ये सो कंपेटिबल हार्डवेयर का जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ड्राइवर के वर्जन मैन्युफैक्चर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इट मींस जो आपका लैपटॉप है, मान लो आपका लैपटॉप ड्राइवर जो आपका लैपटॉप है वो लिनोवो कंपनी का है और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अदर कंपनी का लैपटॉप सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक तोशिबा लगा लूं, यहाँ पर मैं तोशिबा वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैपनीज कीबोर्ड है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, इसको यस कर देना है और आपका यहाँ पर ड्राइवर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेना है एक बार आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को, यहाँ पर हम लोग रिस्टार्ट कर लेंगे। तो गाइस जैसे आपका यहाँ पर लैपटॉप रिस्टार्ट होकर आ जाएगा, आपको चेक करना है कि जो आपका इनबिल्ट कीबोर्ड है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इनबिल्ट कीबोर्ड अगर आपको डिसेबल करना है, टर्न ऑफ करना है, वो कैसे करना है विंडोज 7 के अंदर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा, इससे आपको कुछ मदद मिला है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।